हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ, रिक्वेस्टेड वीडियो है ये कि भाई आपने घर को तो चमका लिया, अब अपने आप को कब चमकाओगे? तो फटाफट से आज जो है अपने को खुद को चमकाने का जो है टाइम आ गया है। तो आज मैं बालों में सबसे पहले मेहंदी लगा लेती हूँ, इसके बाद और मैं क्या करूंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। पर आज फिलहाल मैं बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ। तो मैंने देखी है मेहंदी, ये देखिए, इसको रात में भिगो करके रख दिया था, तो अभी इसे अप्लाई कर लेते हैं बालों पे। अच्छा, मेहंदी लगाने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लें। मैंने अपने बालों को अच्छे से सुलझा लिया है, उसके बाद मैं अपनी मेहंदी को जो है अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से अपने बालों में। अगर आपके पास कोई है मेहंदी लगाने के लिए तो उससे आप लगवाएं, क्योंकि अदर सामने वाला आदमी आपके अच्छे से ज़्यादा मेहंदी लगा पाएगा, खुद से इतनी अच्छे से नहीं लगती है। पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि भाई खुद से आप कैसे मेहंदी लगा सकते हैं। ऐसे मिरर के सामने बैठ जाएं और इस तरह से जो है मेहंदी लगा लें, लेयर वाइज लेयर बालों में। और आप बड़े बड़े सलून्स में जाते हैं, और कभी भी हम जाते हैं सलून वगैरह में, तो वो आपको हमेशा एडवाइस देते हैं कि आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, आप मेहंदी लगाते हो क्या? फिर हम हमेशा कहते हैं हाँ, हम मेहंदी ही लगाते हैं। और फिर आपको वो लोग कहते हैं कि आप मेहंदी मत लगाया करो, आपके बाल इससे डैमेज हो जाते हैं, मेहंदी की जगह आप लोग कलर का यूज़ करा कीजिए। पर हम जो मिडिल क्लास फैमिली की लेडीज़ें हैं ना, वो कलर जो महंगे महंगे कलर्स होते हैं ना, इनका खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि के ये हर 6 महीने में, साल में एक बार तो करवाना ही पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का करवाएंगे तो, अगर आपने हल्की क्वालिटी या सस्ती क्वालिटी का अगर कलर यूज़ कर लिया तो आपके बाल जो हैं उससे भी आप जाएंगे तो, और बिल्कुल जो आपके बाल दिख रहे हैं ना सफ़ेद, उससे ज़्यादा मतलब दुगने तिगने बाल आपके सफ़ेद हो जाते हैं कलर यूज़ करने से। तो जो हम घरेलू महिलाएं होती हैं ना, इसीलिए वो लोग मेहंदी का यूज़ करना सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हैं, कि उससे क्या होता है हमारे बाल वगैरह इतने ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं। और मेहंदी आयुर्वेदिक होती है, और आयुर्वेदिक चीज़ों में कोई भी केमिकल वगैरह नहीं होता है, और कलर सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है हमारी आँखों के लिए भी, क्योंकि जब भी हम कलर वगैरह करवाते हैं तो वो हमारी आँखों पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए मैं तो कभी भी सलाह नहीं दूंगी कि आप लोग कलर का यूज़ करें। पर हम जब जाते हैं, मुझसे भी, क्योंकि 2-3 बार मैं जब सलून में गई हूँ तो मुझसे भी यही बोला गया है कि आपके बाल डैमेज हो गए मेहंदी लगाने से, आप कलर का यूज़ करा कीजिए। पर मैं भी जो है कलर नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि के हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि हम कलर वगैरह करवा करके आ पाएँ। और इतना ज़्यादा होता है ना, घरेलू महिलाओं के पास में इतना ज़्यादा काम होता है कि वो इतना ज़्यादा केयर कर भी नहीं पाती हैं अपने बालों की, कि भाई आप, क्योंकि जो कलर होता है तो फिर उसी के हिसाब से आपको महंगे महंगे शैम्पू कंडीशनर ये सब भी दिए जाते हैं, तो वही आपको यूज़ करने होते हैं, और फिर अगर आप नहीं ला पाओ तो फिर और मुसीबत हो जाती है। तो इससे बेटर ये है कि घरेलू चीज़ का ही हम यूज़ करें, आयुर्वेदिक चीज़ का हम यूज़ करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे बालों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बालों की लेंथ में भी अच्छे से मेहंदी लगा ली है, और अब देखिए मेरे पूरे बालों में अच्छे से मेहंदी लग गई है। तो बस इसे रखूंगी 1 से 2 घंटे, उसके बाद हेयर वॉश कर लूंगी, और उसके बाद अपने बालों में लगा लेंगे हम तेल, ताकि कि मेहंदी का रंग जो है अच्छे से चढ़ जाए। तो चलिए फिलहाल इस वाले वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।